आज हम जा रहे हैं कोहिमा, और आज और कल हम 2 दिन कोहिमा में रहने वाले हैं और देखते हैं क्या कुछ। और इस समय हम लोग हैं नागालैंड में और जा रहे हैं कोहिमा। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ ही रहिए और सैर कीजिए नागालैंड। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और इस समय हम लोग हैं नागालैंड में और जा रहे हैं कोहिमा। कल हम दीमापुर पहुँचे थे और कल का पूरा दिन हमने दीमापुर में ही एक्सप्लोर किया था और स्टे भी हमने कल दीमापुर में किया था। आज हम जा रहे हैं कोहिमा और आज और कल हम 2 दिन कोहिमा में रहने वाले हैं और देखते हैं क्या कुछ है कोहिमा में एक्सप्लोर करने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ ही रहिए और सैर कीजिए नागालैंड। दीमापुर से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड कोहिमा नागालैंड की कैपिटल है और एक खूबसूरत शहर है। यहाँ पर अधिकतर नागा समुदाय के लोग रहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 2 ऑप्शन है, या तो आप ट्रेन या फ्लाइट से दीमापुर तक आए और उसके बाद आप बाय रोड यहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि कोहिमा में कोई भी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन नहीं है। कोहिमा में सांस्कृतिक दृश्यों और अनुभवों के अलावा टूरिस्ट यहाँ पर कई बेहतरीन और ऐतिहासिक टूरिस्ट स्पॉट्स की भी सैर कर सकते हैं। नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर हर तरफ बिखरी पड़ी हुई है। दिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं कोनोवा विलेज से, जिसके बारे में हमने काफी सुन रखा है। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है कोनोवा में और आपको भी दिखाते हैं। हम कोहिमा पहुंच चुके हैं और इस समय हम कोहिमा से करीब 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड एक गांव में है जिसका नाम है कोनोवा। एंड मैं आपको बता दूं, ये एशिया का फर्स्ट ग्रीन विलेज है। हम लोग अब जा रहे हैं मेजर GH दामंत मेमोरियल देखने के लिए, जो कि यहाँ कोहिमा में है और काफी ऊंचाई पर सिचुएटेड है, और वहां तक हमें सीढ़ियों से चढ़कर के जाना है। तो चलिए धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं और वहां पर चलकर मैं आपको वहां के खूबसूरत नजारे की सैर कराती हूँ। कहीं भी घूमने जाओ, ऐसी सीढ़ियाँ आपका स्वागत करती मिलती हैं और हमारा इम्तहान लेती हैं कि हम ऐसी जगहों पर घूम सकते हैं या नहीं। तो मैंने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया और काफी ऊंचाई तक हम आ गए। वाह, और यहाँ से तो जो व्यू मिल रहा है, जो नजारा है, इसको कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। इतनी सारी सीढ़ियां चढ़ने के बाद थकान तो काफी लग गई, मगर यहाँ पहुंच करके जो चारों तरफ का खूबसूरत नजारा था उसने हमारी सारी थकान को छूमंतर कर दिया। कुछ समय हम यहाँ पर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे और इस ब्यूटी का आनंद लेंगे। और ये सामने देखिए कैसे देखते ही देखते बादलों ने इस पूरी वैली को ढक दिया है। नजारा दिल को लुभाने वाला है और आपको बहुत अच्छा लगेगा इस जगह पर आकर के कुछ देर यहाँ पर बैठ के प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए। हमें भी समय का बिल्कुल पता नहीं चल रहा। हम सभी ये जानते हैं कि आज दुनिया भर में लोग प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे हैं। न सिर्फ दुनिया में बल्कि हमारे देश भारत में भी कई ऐसे शहर हैं जहाँ पोल्यूशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और लोग ऐसी अशुद्ध हवा में सांस लेने को मजबूर है। पर अगर मैं आपको बताऊं कि हमारे ही देश में एक ऐसी जगह भी है जहाँ न सिर्फ चारों तरफ हरियाली है बल्कि बहुत ही शुद्ध वातावरण और स्वच्छ हवा भी है। हम बात कर रहे हैं नागालैंड में कोहिमा से मात्र 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पर सिचुएटेड एक छोटे से गांव कोनोवा की। ये गांव करीब 600 साल पुराना है और अंगामी जनजाति का ये घर है। इस गांव की अगर हम बात करें तो ये गांव एशिया का पहला ग्रीन विलेज माना जा चुका है या डिक्लेयर किया जा चुका है। और जैसा कि आप चारों तरफ देख ही रहे हैं, बेहद खूबसूरत है और इस जगह पर हवा की, स्वच्छ हवा की तो बात ही क्या कहने। यहाँ पर आकर के न सिर्फ अच्छा फील होता है बल्कि ये समझ में आता है कि अगर मन में इच्छा हो तो हम क्या नहीं कर सकते हैं। इस खूबसूरती को बनाए रखने के लिए इस गांव के लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। ये गांव न सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए बल्कि अपनी मार्शल आर्ट
के लिए भी बहुत फेमस है और यहाँ पर लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं। तो चलिए आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं खोनोमा गांव। एवरी मंथ द स्टूडेंट्स वी हैव दिस खोनोमा स्टूडेंट्स इन एमकेएस यू एंड यू विल बी गोइंग एन इनविटेशन द स्टूडेंट्स टू पिक अप दिस प्रेशना दिस वेपर्स एंड यू विल बी क्लीनिंग दिस विलेज लाइक एवरी लाइक वंस इन एवरी मंथ you do that. Yeah, we did that. Okay. Yeah. That is why the village is so clean. Yeah. Nowadays people are not caring about the earth, the environment, cleanliness, the environment, but you people are doing a great job here, I must say. Thank you so much. Thank you. Bye-bye. खोनोमा में घूमने के बाद ये समझ आया कि हम भी अगर इच्छा शक्ति रखें तो अपने आसपास के वातावरण को इतना ही खूबसूरत और मनमोहक बना सकते हैं। अब हम चल रहे हैं अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है कोहिमा फॉर सिमेट्री। सिमेट्री में और ये सिमेट्री डेडिकेटेड है उन सिपाहियों को जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी जान गंवा दी थी। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था इन द ईयर 1944 और अप्रैल का वो महीना था जब कॉमनवेल्थ देशों के जो ब्रिटिश डिवीजन के जो सैनिक थे उन्होंने इसी जगह पर जापान के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी और अपनी जान गंवा दी थी। इस सिमेट्री में कुल 1420 समाधियाँ हैं जो यहाँ पर बनी हुई हैं और जिनके ऊपर उनके डिटेल्स भी अंकित हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ हिंदू समाधियाँ भी हैं उन हिंदू सैनिकों की जो यहाँ के लोकल्स थे और जिन्होंने ब्रिटिश आर्मी की तरफ से जापानियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। तो कहने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ होली प्लेस। यहाँ पर सभी लोग आते हैं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस जगह को देखते हैं। और यहाँ पर जो था एक दिस वॉज अ चाइनीज कोर्ट जहाँ पर वो सैनिक इकट्ठा हुए थे और उन्होंने जापानियों के अधीन लड़ाई लड़ी थी। We are now going to cathedral in Kohima और ये काफ़ी ऊपर है, एक ऊपर प्लेटफॉर्म सा है और यहाँ से जो पैनोरामिक व्यू मिलता है दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। और हालांकि इस समय अभी पूरे एरिया में रेनोवेशन का काम चल रहा है, चलकर देखते हैं अंदर से। चर्च एशिया का सबसे बड़ा चर्च है जहां पर 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और ये लगभग 25,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। तो जब भी आप कोहिमा में हो इस चर्च को या कैथेड्रल को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। हम लोग कोहिमा में अब पहुंच चुके हैं नागा हेरिटेज विलेज किसामा में। ये मेरे पीछे आपको विंडो दिखाई दे रहा है, बस इसके अंदर से हम पहुंचेंगे किसामा हेरिटेज विलेज या जिसको नागा हेरिटेज विलेज भी कहते हैं। इसको बनाने का जो उद्देश्य था वो ये था कि जब नागाओं ने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया वो सब क्रिश्चियंस बन गए तो कहीं ना कहीं वो अपने रूट्स को भूलते जा रहे थे और तब उनकी पुरानी संस्कृति और कल्चर को जीवित रखने का एक प्रयास किया गया इसको बना करके। और ये वही जगह है जहां पर हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है जो शुरू हुआ था इन द ईयर 2000। तब से लेके हर साल यहां पर हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। चलिए अंदर चलते हैं और इसके बारे में आपसे बाकी बातें भी करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं भारत के सभी प्रतिष्ठित हमारे जो
बड़े बड़े लीडर्स हैं उन्होंने भी इसको विजिट किया है, क्योंकि इस जगह पर आकर के आपको नागालैंड की वो झलक मिलती है जो कहीं ना कहीं हमको टाइम ट्रेवल करा कर के पुराने समय में ले जाती है। और वो जो नागालैंड का जो ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि रही है उससे हमें साक्षात्कार कराती है, कहने की ज़रूरत नहीं है। ये एक काफ़ी अच्छा प्रयास है हम सभी को, जो हमारी आज की जनरेशन है उसको वो पुराना समय याद दिलाने के लिए। ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है और इसके ऊपर बैठे वो तमाम हॉर्नबिल बर्ड्स, जिसके नाम पर इस फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल फेस्टिवल रखा गया। और नागालैंड को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। यहाँ पर तमाम फेस्टिवल्स काफ़ी जोश से मनाए जाते हैं। और आप देख रहे हैं ये हॉर्नबिल्स, कितनी सारी बर्ड्स यहाँ बनाई हुई हैं, बेहद खूबसूरत। यहाँ पर आपको इस तरह के बहुत सारे मोरंग दिखाई दे रहे हैं। मोरंग का मतलब है अ प्लेस विच इज रिलेटेड टू लर्निंग एंड शेयरिंग आइडियाज। जैसे आजकल हम कॉफ़ी शॉप में बैठते हैं और अपने आइडियाज शेयर करते हैं, उस समय में यहाँ पर लोग मोरंग में बैठते थे। एंड इट इज़ रिलेटेड टू लर्निंग सेंटर्स, और यहाँ पर वो सारे आइडियाज जो अलग अलग नागा ग्रुप्स होते थे वो यहाँ पर आते थे और अपने अपने जो रिच कल्चरल जो उनके कस्टम्स थे या जो उनके रिचुअल्स थे या जो उनके फेस्टिवल्स थे उस पर यहाँ पर चर्चा की जाती थी। एंड इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पर लोगों को ट्रेन किया जाता था। ये 2000 में जब इस हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत की गई थी तो जो सोच पीछे थी उसका उद्देश्य पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस जगह को देखने के लिए ना सिर्फ हिंदुस्तान से बल्कि दूर विदेशों से भी लोग आ रहे हैं और नागा कल्चर को समझ रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। दिस इज अ वाई पोस्ट, ये उन घरों के बाहर लगाया जाता था जहाँ पर मिथुन जो यहाँ का लोकल एनिमल है या काऊ उसको सेक्रीफाइस किया जाता था। तो यहाँ पर जैसे कि सभी जानते हैं नागा जो होते थे वो बहुत शिकार करते थे, तो ख़ास तौर से सिर का शिकार वो करते थे, तो ऐसे घरों के बाहर इसको इस वाई पोस्ट को लगाया जाता था। आप ये स्पेयर देख रहे हैं, द पर्पज ऑफ पुटिंग दिस स्पेयर इज टू प्रोटेक्ट दी हाउस। ये इनका विश्वास है कि जिस घर के सामने या जिस भी ग्रुप के सामने ये रहेगा वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। दिस इज चांग नागा, चांग मोरंग। दिस हाउस बिलोंग्स टू वन नागा ट्राइब एंड द ट्राइब इज कॉल्ड चांग ट्राइब। सो दिस बेसिकली दिस हाउस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ the Naga tribe stays in the interior villages, rural area. So this the log drum which you are seeing right now. Okay, हम अभी आपको दिखाते हैं वो drum. This one is for communication with different villages. Okay. Before, जैसे कि उस समय पहले इन्होंने बताया जैसे there were no phones नहीं होते थे, communication का कोई साधन नहीं होता था, तो इस तरह के बड़े बड़े drums होते थे जहाँ से एक नागा जो विलेज होते थे वो दूसरे विलेज को दूसरे अपना कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए ये एक देयर विल बी अ वुडन हैमर। ओके, वन वुडन हैमर विल बी देयर एंड देन दे विल हिट द ड्रम। ओके, बट दैट इज दैट आल्सो विल बी 2 to 3 पर्सन हु नोस हाउ टू कम्युनिकेट लाइक अ मोर्स कोड। हां, लाइक मोर लेस लाइक अ मोर्स कोड, नागा मोर्स कोड। व्हेन यू सी फ्रॉम द एरियल व्यू, हां, दिस इज द नागालैंड मैप एक्चुअली। नागालैंड मैप, यस, एरियल व्यू। You check it out in Google Map, you will see the Nagaland map. According to Nagaland map, all the huts are placed according to
whichever districts it is at present. Okay, and मैंने सुना है कि इनके अलग अलग colors होते थे. Yes, different variation of colors because we have traditional variations. हाँ. We have red. I mean like. मतलब हर village का एक color होता था. Vipio color is there. Vipio, the rainbow color. Rainbow color. Yes, it's variant, and it's we are very colorful. वो तो दिख रहा है मुझे चारों तरफ जो कलरफुल रिप्रेजेंटेशन है आपके नागा कल्चर का वो नजर आ रहा है मुझे और ये बहुत ही अच्छी जगह है. मतलब हम लोगों ने नागालैंड के बारे में सिर्फ सुना है, मतलब वी हर्ड लॉट ऑफ स्टोरीज अबाउट नागा पीपल नागा ट्राइब्स बट हियर वी आर गेटिंग एक्चुअल फील ऑफ नागालैंड राइट. पीपल आर सो फ्रेंडली हियर सो वेलकमिंग बिकॉज जनरली वी डू हैव दैट आइडिया दैट Nagaland people are kind of jungly people. Yeah, sorry yeah, to say that, no, but outside world, it is that feeling. It is always like that. It is entirely different. In, the ground reality is quite different. It's quite different. It's very right. different. Yes. Thank you, Nikki, for sharing us about these beautiful things about this Kisam. Most welcome. Yeah, thank you so much. Yeah. So this is the drum, जिसके बारे में अभी Mr. Nikki ने हमें बताया कि this used to be the instrument जो communication के लिए use किया जाता था. हालांकि अभी तो ये एक रिप्लिका है मगर ऐसा ही कुछ होता था उस समय जब लोग यूज करते थे एक नागा विलेज से दूसरे नागा विलेज तक अपने मैसेजेस और संदेशों को भेजते थे. और ये सब हम लोग आमतौर पर मूवीज या सीरियल्स में देखते हैं कि कैसे वो नगाड़े बजाते हैं अपने मैसेज को दूसरे जगह तक पहुँचाने के लिए. तो दिस इज द रिप्लिका ऑफ दैट ड्रम जो कि यहाँ पर रखा हुआ है. किसामा का हमारा ये टूर काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है. और यहाँ पर आकर हमें ये पता चला या लोगों का ये मानना है या कहना है कि दिस प्लेस इज नागालैंड इन कोहिमा, क्योंकि जो इसका एरियल व्यू है वो एग्जैक्टली नागालैंड के मैप को शो करता है. यहाँ पर वो सारी नागा जनजाति के जो हट्स हैं उनको दिखाया गया है और वो सब अलग अलग कलर्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो उनके अलग अलग कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं. This is Hornbill Festival 2022 और इस साल का होगा दिसंबर 23, 1st December to 10 December. So do visit Kisama Village to get the real essence of Nagaland. Naga Heritage Village Kisama के साथ कोहिमा का हमारा ये सफर अब यहीं पर खत्म होता है. कल हम लोग यहाँ से निकलेंगे दीमापुर के लिए एंड देन बैक टू गुवाहाटी. नेक्स्ट एपिसोड में मैं और खूबसूरत लोकेशन पर आपसे फिर मिलूंगी. तब तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा. अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा. दिस इज योर होस्ट अर्चना श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ फ्रॉम कोहिमा. बाय बाय, टेक केयर.